हे फोटोग्राफर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कि कैसे वाइट बैलेंस को करेक्ट किया जाए वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टोन्स हो जाते हैं जब हम अलग अलग फंक्शंस में फोटोग्राफी करते हैं, जैसे मेहंदी हो गई, पीठी हो गई, संगीत संध्या हो गया, या वेडिंग में जहाँ फेरे होते हैं, या रिसेप्शन ले लो जहाँ नॉर्मल पब्लिक बैठी होती है। इतने सारे वेरिएशंस में क्या वाइट बैलेंस रखा जाए जिससे हमारी फोटोग्राफी लाइव जो हम कैप्चर्स करते हैं वो परफेक्ट हो, तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ आपके सामने। तो बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइट बैलेंस को लेकर अधिकतर चैलेंजेस आते रहते हैं। तो ये सारी बातें डिटेल वाइज और फोटोज दिखाकर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR Academy। आपको याद दिला दूं सारी इंफॉर्मेशन जो व्हाइट बैलेंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले कि अगर आप फोटोग्राफी वर्कशॉप रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए जहां पर हम रेगुलरली लाइव आते हैं। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज आप देखते हैं, कई बार हम कमेंट के आपको रिप्लाई नहीं कर पाते, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम लाइव पे आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ताकि आपके जितने क्वेश्चन है उनका आपका सॉल्यूशन मिल सके। तो हम बात कर रहे थे इस वीडियो के अंदर कि कैसे व्हाइट बैलेंस आप सेट करके अपनी इमेजेस को परफेक्ट बना सकते हैं, वो भी वेडिंग फोटोग्राफी में, जब आपके पास बहुत कम टाइम होता है और आपको फास्टली अपना डिसीजन लेने होते हैं कि कौन से फंक्शंस के टाइम पर मैं क्या व्हाइट बैलेंस रखूं या क्या एक्सपोजर सेट करूं जिससे मेरे को रिजल्ट्स परफेक्ट मिले। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक्सपोजर तो मैनेज कर लेते हैं, चाहे आप एवी मोड या मैनुअल मोड पर शूट करके, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोजर रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको देख के आप एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। बट कई बार वेडिंग के अंदर एक चैलेंज बहुत बड़ा आके खड़ा हो जाता है, और वो ये है कि जब अलग अलग सिचुएशंस होती है, जैसे मैं आपको उसको बिल्कुल सेग्रीगेट करके दिखाऊंगा कि पहली कि अगर आप एक पीठी के अंदर शूट कर रहे हैं, या फिर अगर आप मेहंदी के अंदर शूट कर रहे हैं और संगीत संध्या में आए और वेडिंग फेरे के अंदर आए, तो क्या वाइट बैलेंस रखा जाए। नॉर्मली हमारे पास तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं कि जिनको आप सेट कर सकते हैं, या तो आप ऑटो वाइट बैलेंस रख लें, या आप केल्विन सेट कर लें, या फिर आप कस्टम व्हाइट बैलेंस सेट कर लें। ये तीनों के ऊपर डिटेल के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं व्हाइट बैलेंस के बारे में, बट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही नॉलेज दूंगा कि जब आप वेडिंग के अंदर होते हो तो परफेक्टली आप क्या वेरिएशन करके अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। या कई बार हमारे सामने ऐसा चैलेंज आ जाता है कि जब हम फोटोग्राफी करते हैं बट टॉप साइड में जो शेड होती है वो मेहरून कलर की होती है या ब्लू कलर की होती है, तो हमारा पूरा जो टोन होता है वो मेहरून शेड का हो जाता है, तो हमारे व्हाइट बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता। तब आप क्या इमीडिएट वेरिएशन करें कि आपका इमेजेस परफेक्ट हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं कि पहले लेते हैं हम पीठी के बारे में। जितनी भी फंक्शंस के अंदर पीठी होती है उनका सेटअप कंप्लीटली येलो होता है, बट नेचुरल बात है कि अगर वहां पर थोड़ा सा वार्म टोन अगर हम यूज करते हैं तो वो फोटोज अपने आप बेटर लगते हैं। कई बार क्या होता है, लोग नॉर्मली ऑटो पर शूट कर लेते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि अगर आप अवेलेबल लाइट पर शूट कर रहे हैं और फ्लैश लाइट पर शूट कर रहे हैं तो दोनों में आपका व्हाइट बैलेंस डिफरेंस हो जाता है। अगर आप अवेलेबल लाइट शूट कर रहे हैं आउटडोर के अंदर, तब आपके लिए आपको थोड़ा सा उसको वार्मर टोन रखना होगा, तो नियर अबाउट आप 5100 टू 500 तक का केल्विन रख सकते हैं, या थोड़ा सा उसको प्लस माइनस कर सकते हैं एज पर लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। बट कई बार अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं, जैसे ये इंडोर है और वहां हम पोर्टल लाइट ऑन करते हैं, तो पीठी के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि आपका इमेज थोड़ा सा वार्मर टोन होना चाहिए, क्योंकि हम उसको एडिटिंग के अंदर थोड़ा सा वार्म करके और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, बट अगर आप उसको नेचुरल वे से थोड़ा सा वार्म कैप्चर करेंगे तो वो देखने में ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों के ड्रेसेस भी येलो होती हैं और पीठी का जो कलर होता है वो भी येलो होता है। बट यहां पर ध्यान ये रखें कि ज्यादा वार्म नहीं कर दे, नहीं तो वो बहुत ज्यादा येलो येलो स्टोन लगेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको नियर अबाउट केल्विन 5100 टू आपको 5500 के मिड में रखना है, ताकि आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर मिलेंगे। बट अगर आप पोर्टल लाइट ऑन करते हैं तो इतना ज्यादा अगर आप 5500 तक केल्विन तक चले गए तो वहां पर वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा येलो हो जाएगा। तब आपको वो केल्विन कन्वर्ट करके नियर अबाउट 3000 या 3300 तक के बीच में रखना है, तो आपको थोड़ा सा वार्म टोन मिलेगा और आपकी इमेजेस बहुत ही प्यारी लगेंगी, वो भी आपके क्लिक्स में।
हाँ, कई बार ये सिचुएशंस आके खड़ी हो जाती हैं कि आपका एक्सपोजर ओके नहीं होता, उसके कारण भी वाइट बैलेंस कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि अगर पिक्चर अंडर होता है तब भी आपको वाइट बैलेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो वहां पर आपको एक्सपोजर का ध्यान रखना है, जिसके लिए आप एक्सपोजर से रिलेटेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं और तब जाके आप वाइट बैलेंस ओके करके आप परफेक्टली क्लिक कर सकते हैं। बट ऑटो वाइट बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसी जब अवेलेबल लाइट कंडीशन में आप शूट कर रहे हैं तो आप ऑटो वाइट बैलेंस भी प्रेफर कर सकते हैं, पर बीइंग ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर अगर आप कैल्विन पे जाते हैं तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। तो अब मैं अगर सेकंड फंक्शन में जाते हैं जो है हमारा मेहंदी, तो मेहंदी अधिकतर या तो इंडोर होती है अगर छोटा सा फंक्शन है हमारा तो, या अगर मेहंदी का भी फिर एक सेटअप बनता है जिसमें थोड़ा सा डिजाइनर सेटअप्स लगे होते हैं और थोड़ा सा कलरफुल सेटअप्स होता है। बट इस टाइम आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप अगर वाइडर शूट कर रहे हैं तो अलग बात है, बट मेहंदी के जितने शॉट्स होते हैं जो हमारी एल्बम के अंदर लगते हैं, या आप एक वीडियोग्राफर है जो वीडियो शूट करते हैं, तो वो सारे क्लोजअप्स होते हैं क्योंकि हमको मेहंदी की डिटेल बतानी होती है। आप वाइडर जो भी शूट कर रहे हैं उसके लिए व्हाइट बैलेंस बिल्कुल अलग चीज है, बट यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्पेशली ब्राइड या ग्रूम की, अगर आप मेहंदी का शॉट लेते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं, तब आपको थोड़ा सा केल्विन को जो नियर अबाउट आपने 5100 टू 5500 रखा था उससे आपको थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि वहां पर आपको वार्मर टोन नहीं लेना होगा, आपको थोड़ा सा कूल टेम्परेचर पे कन्वर्ट करना होगा स्लाइड सा। क्यों? उसके पीछे का रीजन है क्योंकि आपको स्किन टोन परफेक्ट दिखाना होता है, तब आपका मेहंदी का जो कलर है वो प्रॉपर दिखेगा। क्योंकि अगर आप उस टाइम वार्म टोन ले लेंगे तो मेहंदी का कलर और ज्यादा वार्म हो जाएगा और स्किन का जो आपका टोन है वो भी वार्म हो जाएगा, तो जो नेचुरल स्किन टोन दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाएगा। तो ये छोटी सी बारीकी है बट आपको यहाँ ध्यान रखनी बहुत जरूरी हो जाती है कि आपको जब आप मेहंदी का शॉट लें तो उसको हल्का सा, यानी कि नियर अबाउट 5000 से थोड़ा सा कम, यानी कि 4800 तक रख सकते हैं या 4700 तक भी आप रख सकते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे मेहंदी के फंक्शंस में अगर आप अवेलेबल लाइट शूट करते हैं। अगर पोर्टा लाइट पर शूट करते हैं तो इन शॉर्ट यही है कि नियर अबाउट आप 3000 केल्विन कर सकते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, और बाउंस फ्लैश के ऊपर भी अगर आप यूज करते हैं तो वो भी आपकी पूरी की पूरी प्योर व्हाइट लाइट है, तो नियर अबाउट आप 4700 या 5000 के मिड में आप केल्विन रखकर परफेक्ट रिजल्ट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं संगीत संध्या के बारे में, जहां पर ऑलरेडी इतना अच्छा सेटअप बना हुआ होता है, अलग अलग आरजीबी की लाइट्स होती हैं, कलरफुल लाइट्स होती है, तो वहां पर फ्लैट लाइटिंग लगाकर हमको हमारी इमेज को वेस्ट नहीं करना होता है, आपको उस लाइट कंडीशन में ही अपनी इमेजेस कैप्चर करनी है, और उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है व्हाइट बैलेंस का वो है ऑटो, क्योंकि वहां पर इमीडिएट विद इन अ सेकंड्स लाइट कंडीशंस चेंज होती रहती है। ना तो बार बार आप केल्विन चेंज कर सकते हैं ना ही आप कस्टम वहां सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब केल्विन चेंज करने जाएंगे तब तक आपका लाइटिंग कंडीशन वहां चेंज हो चुका होगा, और जितने भी संगीत संध्या के बेस्ट क्लिक्स होते हैं वहां की नेचुरल लाइटिंग के अंदर ही होते हैं, तब आपको आपका व्हाइट बैलेंस ऑटो रखना है तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ हो सकता है लेंथी हो, बट अगर आप ये सारी चीजें अगर वेडिंग के अंदर अप्लाई करेंगे तो मैं आपको डैम श्योर कहता हूं कि आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। आप संगीत संध्या में अधिकतर लोग जो फ्लैश लगाकर फोटोग्राफी कर लेते हैं, वहां पर जो उसका रियल जो उस फोटोज का मीनिंग निकलना चाहिए, जो उसका एनवायरमेंट वहां पर क्रिएट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता और वो इमोशंस बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि लाइटिंग से ही इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो वहां पर जो उसकी नेचुरल कलरफुल चीज है, क्योंकि अगर आप एक डिस्को देखें, डिस्को के अंदर कलरफुल लाइट्स क्यों होती है? क्योंकि वहां पर उसका थीम उस तरह का होता है, ठीक है, एनवायरमेंट वैसा होता है। इसी बेस के ऊपर जब संगीत संध्या है तो वहां का एनवायरमेंट वैसा है, और वैसा ही अगर फोटोज में कैप्चर नहीं होगा तो रिजल्ट्स बेटर कैसे आएंगे? तो ध्यान ये रखना है कि जैसा एनवायरमेंट है वैसी लाइटिंग होनी चाहिए। तो संगीत संध्या के लिए ऑटो वाइट बैलेंस बहुत ही परफेक्ट है, आपको नियर अबाउट वो परफेक्ट रिजल्ट देगा और आपके आउटपुट बेस्ट आएंगे। सो अब हम एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं कि जहां बात होती है मेन फंक्शन जो हमारा वेडिंग डे होता है, फेरों के बारे में अगर डिस्कस करें तो वहां पर व्हाइट बैलेंस बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कई बार फेरों के अंदर ऐसी लाइटिंग सेटअप हो जाती है इवेंट के थ्रू कि वो हमको या तो मैजेंडा टोन या फिर थोड़ा ग्रीनिश टोन दे देता है, तो उसको हम पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, हम उसको रॉ फिल्टर के अंदर, टिंट के अंदर चेंजेस करके हम रिजल्ट्स को बेस्ट कर सकते हैं। बट हम बात कर रहे हैं लाइव हमारे इमेजेस कैसे बेस्ट कर सकते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि व्हाइट बैलेंस के नीचे एक और ऑप्शन होता है व्हाइट बैलेंस शिफ्ट और ब्रेकटिंग, तो उसके अंदर वेरिएशन करके आप अपनी इमेजेस को बेस्ट कर सकते हैं। कि कई बार अगर आपको मैजेंडा टोन मिल रहा है तो आप ग्रीन बढ़ाकर उस मैजेंडा को कम कर सकते हैं, या ग्रीनिश मिल रहा है तो मैजेंडा बढ़ाकर आप उसको
ओके कर सकते हैं। तो ये तो बात रही एक व्हाइट बैलेंस शिफ्ट और ब्रेकटिंग की, बट वहां पर भी दो वेरिएशंस हमारे सामने आ जाते हैं। एक तो मंडप का रहता है जहां पर अगर आप चाहें तो कस्टम व्हाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। ऑलरेडी कस्टम व्हाइट बैलेंस कैसे सेट करना है, फ्लैश के ऊपर और अवेलेबल लाइट के ऊपर, इन दोनों के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को बेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने मंडप में क्लिक करते करते अगर आपको इमीडिएटली बाहर साइड क्लिक करना आ गया, बाहर इन द सेंस कि जहां पर पब्लिक है, अगर आपको वहां पर कोई भी कैंडिडेट शॉट लेना है, तब आप क्या करें, तब आप या तो कैल्विन का यूज कर सकते हैं या फिर आप ऑटो वाइट बैलेंस यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो वेडिंग अगर स्टार्ट टू एंड अगर पूरा का पूरा डिस्कशन किया जाए तो तीन तरह के वाइट बैलेंस को हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑटो वाइट बैलेंस, सेकंड है आपके पास कैल्विन, अगर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। बट कैल्विन को कहां यूज कर सकते हैं, जहां पर आपके पास येलो लाइट यूज हो रही है तो ही आप उसका वेरिएशन करके उसको ओके कर सकते हैं। ऑटो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं कि आपको अलग अलग डिफरेंट लाइटिंग सेटअप मिल रहा है तब भी ऑटो कर दें, या कुछ समझ में नहीं आ रहा तब भी आप ऑटो कर सकते हैं। और अगर एकदम कंटिन्यूस टिपिकल लाइट है जो मंडप के अंदर ग्रीनिश लाइट या ऐसा मैजेंडा लाइट सेटअप अगर हो चुका है तो तब आप क्या करें, उसको आप कस्टम वाइट बैलेंस सेट कर दें, तो आपको उस एनवायरमेंट में, उस लाइटिंग एनवायरमेंट में आपको रिजल्ट्स ओके मिलेंगे। शादी की फोटोग्राफी भी आपने अच्छे से कर ली जो आपके वेडिंग फेरे हैं, बट उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आके रुक जाती है, वो है पोर्ट्रेट। जब आप फैमिली के पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं या फिर अगर आप ब्राइड के और ग्रूम के अगर कपल पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तब वाइट बैलेंस क्या रखा जाए, तब हमारे पास दो लाइटिंग वेरिएशंस होते हैं। या तो आप कंटिन्यूस लाइट पर शूट कर रहे हैं पोर्टा लाइट के ऊपर, या फिर हम शूट करते हैं फ्लैश लाइटिंग या स्टूडियो लाइटिंग सेटअप के ऊपर। तब हमेशा ध्यान रखें कि आपको कैल्विन ज्यादा प्रेफरेबल है, ना तो आपको ऑटो यूज करना है ना ही आपको कस्टम यूज करना है, आपको तब यूज करना है कैल्विन। वो भी मैं आपको सेपरेटली बता देता हूं कि अगर आप कंटिन्यूस लाइट पर शूट करते हैं यानी कि पोर्टा लाइट पर शूट करते हैं तो आपको कैल्विन रखना है नियर अबाउट 3000 से 3300 के बीच में, और डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका ज्यादा ब्राइट है यानी कि उसकी स्किन थोड़ी ब्राइटर है या डार्कर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको 100-200 का वेरिएशन आपको करना रहता है कैल्विन के अंदर। बट अगर आप फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं, स्टूडियो लाइट पे अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो नियर अबाउट 5000 का कैल्विन आपको रखना होगा, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको जितनी बातें इस वीडियो में बताई है वो एकदम स्पेसिफाई अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका स्टार्ट टू एंड वेडिंग के अंदर व्हाइट बैलेंस का चैलेंज आपको कभी नहीं आएगा। आपको एक बार में अगर ये वीडियो उतना क्लियर नहीं हुआ हो तो आप इसको दोबारा देखिएगा, इसके पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर मिलेंगे। सो गाइस, ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ जिसका नाम है DSLR Academy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।